वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। आओगे जब तुम साजना, अंगिया फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन झूम झूम के। गाने के ये बोल उन जिलों के पुलिस व प्रशासनिक अफसरों पर फिट बैठ रहे हैं जहां यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज आना है। मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। भारी अव्यवस्था, कोरोना से बेहाल जिले, ऑक्सीजन की कमी के चलते मरते लोग, जीवन रक्षक दवाओं व ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी जैसा कुछ मुख्यमंत्री को नजर न आए इसकी खास पुख्ता व्यवस्था की गई है। मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर मुख्यमंत्री के आने से पहले तक रंग रोगन किया जाता रहा। सड़कों की सफाई के लिए भी नगर निगम के अफसरों ने सारी ताकत लगा दी है। ऑक्सीजन प्लांट देखने के लिए योगी आदित्यनाथ मेरठ के बिजौली गांव जा सकते हैं तो वहां सारा अमला तामझाम लगा दिया गया है। 12 लोगों के कोरोना संक्रमित की सुध किसी ने नहीं ली, लेकिन आज सुबह उस जगह को हॉटस्पॉट बनाकर बल्लियां लगाई गई हैं। कभी कभार नजर आने वाले सफाई कर्मचारियों को भी जी जान से लगाया गया है। मंशा सिर्फ इतनी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिधर से भी गुजरे उन्हें सब चंगा ही चंगा नजर आए और सब पुरजोर आवाज में एक ही बात कहें, यहाँ सब चंगा सी। शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन जिलों के दौरे पर हैं जहां कोरोना की सर्वाधिक मार पड़ी है। मेरठ ने यूपी के सभी जिलों को संक्रमण व मौत के मामलों में पीछे छोड़ दिया है। इस कारण सीएम ने मंडल स्तरीय दौरा करने का निर्णय लिया है। कल जैसे ही उनके आगमन की सूचना कंफर्म हुई, कमिश्नर सुरेंद्र सिंह व आईजी प्रवीण कुमार बिजौली गांव पहुंच गए। वहां वैसा ही पाया गया जैसा अमूमन वहां रहता है। अधीनस्थों को दोनों ने आड़े हाथ लिया, जिस पर पूरा अमला वहां सफाई व अन्य व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया। जहां कूड़े गंदगी के ढेर थे उन्हें मिट्टी डालकर ढका जा रहा है। गांव की पीएचसी मेरठ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यप्रणाली की पोल खोलती नजर आ रही है, लेकिन फिर भी सब चंगा से। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी। नमस्कार।